अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि प्याज को थ्रिप्स और फिंगर से कैसे बचाया जा सकता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि हमें नए आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। इस मौसम में प्याज को ज़्यादातर दो ज़्यादा जो चीज़ें परेशान करती हैं वो दो चीज़ें, एक तो है थ्रिप्स और दूसरी है फिंगस, फिंगस की बीमारी। थ्रिप्स को कंट्रोल अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी प्याज की फसल बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी पैदावार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वो बिल्कुल पैदावार नहीं देगी, क्योंकि थ्रिप्स जो है वो ऊपर से पत्तों में ही आती है और प्याज की जो फसल है वो इधर ऊपर भूखों से ही सारा अपना जो है ना खुराक हासिल कर सकती है। तो जब आपका प्याज बड़ा नहीं होगा, साइज बड़ा नहीं होगा, तो फिर आपको कितनी पैदावार होगी। इसलिए थ्रिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करें। हम थ्रिप्स को अभी प्याज को अपने प्याज को जो अपने दरफारों पे प्याज उसको हम स्प्रे कर रहे हैं पोलिट्रेन सी का। आप लैम्डा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एसीफिट भी थ्रिप्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी अच्छी सी जो है ना वो आप इस्तेमाल ज़ाहिर कर सकते हैं। और फिंगर्स के लिए आप अगर तो आपका प्याज अभी बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, तो उसके लिए आप एहतियात से एहतियातन के लिए आप ऊपर से थिंकर या मेटालेक्सोमन की जेब या कोई भी अच्छी सी दवाई आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो है ना वो फसल फिंगस से बच सके। अगर आपके प्याज को फिंगस की बीमारी लग गई है, एक तो होता है ना ऊपर से जो इसकी भूखी है वो ऊपर से थोड़ी सी खुश्क होकर गिर रही है, वो उसका कोई इतना इशू नहीं है, उसकी खैर है। और अगर आपका जो प्याज की फसल है वो ऊपर से उसकी बुकिंग हैं वो ख़राब हो गई हैं, गाल ऐसे गाल के सड़ के नीचे गिर गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, तो फिर उसको फिंगस है। आप उसके लिए जो जहर इस्तेमाल करनी है वो है कापर ऑक्सीक्लोराइड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कासोमिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनमें से कोई भी अच्छी सी आप जो है ना वो जहर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर वो बीमारी आ जाएगी तो फिंगस की अगर बीमारी आपके प्याज को लग गई, आप फसल को लग गई, तो फिर आप समझ लिए कि आपकी पैदावार आधे से भी ख़त्म होगी, बिल्कुल आधी रह गई। इसलिए जितना हो सके अपने प्याज को इस मौसम में बचाएं। तो मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में। हमको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।